तो भाई लोग हम लोग देख रहे थे यूट्यूब में, देखते देखते हमें एक वीडियो मिली। नहीं भाई, फ्री फायर बैन? रुको भाई, आपको पता है कि फ्री फायर एक्चुअली में क्यों बैन हुआ है अचानक से? व्हाट्स द एक्चुअल रीजन, सही वजह क्या है जिसके चलते ये हाहाकार अचानक से हो गया? और क्या आपको पता है कि एक मगरमच्छ के चलते, पानी के मगरमच्छ के चलते पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो गया? इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके प्लेन में और क्रोकोडाइल बाहर आ गया। लोग एक साइड पे क्रैश में टोटल 21 लोग थे जिसमें 18 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स थे, और इन टोटल 21 लोगों में से 20 लोग मारे गए और सिर्फ एक इंसान बचा, जिंदा रह पाया, और उसी एक इंसान ने पूरी की पूरी कहानी को बताया पूरे वर्ल्ड के सामने। तो ये था हिस्ट्री के सबसे अजीब इवेंट्स में से एक। फैक्ट नंबर 8, चिचेन इट्जा। इसको तो आपने जरूर देखा होगा, अभी के टाइम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फोटोज में ये दिख जाता। भाई फ्री फायर बैन हो गई है क्या सच्ची में? भाई कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, मेरा मूड बहुत खराब है। सो गाइस, एक गेम प्ले पड़ा था मेरे पास, तो ये ही देख लो। मेरा अक्सर भाई यार, करेगा तो मिल जाएगा 200 रुपया का साइन अप बोनस। यार भाई नीचे देख सकते हो टाइटल में लिखा हुआ है बैन। यार नहीं भाई, फ्री फायर नहीं बैन हो सकती यार। भाई सब्सक्राइब करो बेटा, बच्चे में और देखते ही दो हमारे सच्चे में ये क्या। रुको भाई, बस सारी वीडियो बैन बैन के आ रही है। दुनिया भर में मशहूर और कई लोगों का चहेता गेम फ्री फायर के साथ आखिर ऐसा 267 एप्लीकेशंस और गेम को बैन किया था, जिसमें पबजी इंडिया भी शामिल था। उसी तरह 14 फरवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसी तरह से ही ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ बैन क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि करीना फ्री फायर के फाउंडर और सीईओ फॉरेस्ट ली चाइना में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत टाइम पहले वो सिंगापुर शिफ्ट हो गए थे और अभी वो सिंगापुर के एक सिटीजन हैं। और यही वजह थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में इस गेम को बैन नहीं किया था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट को इस गेम के चाइना से कई कनेक्शन सामने आए हैं जिसके चलते इस गेम को बैन किया गया है। लेकिन भले ही इसे प्ले स्टोर से बैन कर दिया गया हो, लेकिन जिनके फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो इस गेम को अभी भी खेल पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पबजी के बैन होने के बाद कुछ टाइम के बाद सर्वर्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, तो हो सकता है कि फ्री फायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। वैसे गवर्नमेंट ने इन सभी गेम्स को बैन करने की क्लियर वजह तो नहीं बताई, बस इनका कनेक्शन चाइना से बताया है और देश की सिक्योरिटी के लिए इस गेम और दूसरे एप्लीकेशंस को बैन करने का डिसीजन लिया है। वेल, कम से कम फ्री फायर मैक्स तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। रुको भाई, फ्री फायर चेक करके आते हैं। दो मिनट भाई, फ्री फायर मैक्स है यार मेरे पास। अगर फ्री फायर बैन हुई होगी तो मैक्स भी हुई होगी ना। दो मिनट, भाई मैक्स में मेरे को एक चीज़ करनी आती है, मैं वो अगली वीडियो में बता दूंगा भाई। अगर फ्री फायर जिस जिसके पास ना हो यार, मैक्स कर लेना भाई। मैक्स भी एक चीज़, मैक्स में भी एक सेटिंग है भाई जिससे आप फ्री फायर जैसे कर सकते हो। ओके भाई, यार फ्री फायर बैन हो चुकी तो मैक्स तो नहीं होनी चाहिए यार भाई। मैं दिमाग खराब हो रहा है यार सच में यार भाई, फ्री फायर बैन हो गई है।
भाई चल तो रही है यार फ्री फायर। अच्छा मैक्स है ना मेरी, भाई मैक्स तो चल रही होगी। भाई वैन किसने कराई है? जोगिंदर ने तो नहीं कराई भाई। तो भाई लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय यार। भाई मैं वो अगली वीडियो में बता दूंगा। बाय बाय बाय।